अस्सलाम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको आज की इस न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र हैं यानी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और आप जो है अपने मोबाइल से तस्वीरें लेते हैं और आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल से ली गई तस्वीरें ऐसी आएँ कि एकदम जादू सी लगें, यानी मैजिक आ जाए आपकी तस्वीरों में और वो जो है इतनी खूबसूरत नज़र आएँ कि दूसरा शख्स देख के ज़रूर आपसे पूछे कि यार ये आपने किस मोबाइल से बनाई, DSLR से बनाई, किस चीज़ से बनाई, आप मुझे भी बताओ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसे यानी फ़ोटो एडिटर के बारे में बताऊंगा जो एक प्रोफेशनल किस्म का फ़ोटो एडिटर है जिसकी मदद से जो है आप अपने मोबाइल में ही अपने फ़ोटो की ऐसी एडिटिंग ऐसे कमाल की बना सकते हैं कि कोई भी शख्स अगर देखेगा तो वो एक मरतबा आपसे ज़रूर पूछेगा कि यार ये मुझे भी बताओ ये आपने कैसे कर लिया। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आपने क्या करना है, इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना है और ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपने करना दोस्तों ये होगा कि एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है माइटो। तो आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। इंस्टॉल आपने कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूँगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन का नहीं पता तो वीडियो के टाइटल पे क्लिक करें, नीचे पैराग्राफ ओपन हो जाएगा, वही डिस्क्रिप्शन होती है। तो जैसे दोस्तों ओपन करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, मेयर टू ऑल यानी इसके अलावा एडिट का ऑप्शन, ब्यूटीफाई का, कॉलेज का, टिप्स का, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अगर एडिट करना चाहते हैं अपनी तस्वीर को, अपनी मर्ज़ी का बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे आपसे तस्वीरें मांगेगा, आपने कोई सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने दोस्तों एक तस्वीर जो है सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसका कमाल, तो यहाँ पर आपको पहले फ्लो नज़र आ रहा है, तो अगर आप फ़्लो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आप किस तरह से फ़्लो ला सकते हैं। और अगर आप जो स्वीप करना चाहें तो यहाँ पे आपको ये वाला नज़र आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। मैं आपको इसका कमाल दिखाता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो कोई भी पाथ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं जो यहाँ पे ये वाला कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक्चर में किस तरह से रोटेशन आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करता हूँ, मैं और चीज़ें एडिट करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ऑटो का ऑप्शन, तो आपने ऑटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो रिज़ल्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने ऑटो पे क्लिक किया तो पिक्चर की में वाज़े आपको एक तब्दीली नज़र आ गई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे फूड ऑब्जेक्ट, तो ये दोस्तों इफ़ेक्ट हैं बेसिकली जो आप देना चाहें इसमें दे सकते हैं। यहाँ पर पोर्ट्रेट ऑप्शन भी है और यहाँ पर अगर आप उसको इफ़ेक्ट को देना चाहें तो आपने क्या करना है, ये यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैं क्या करता हूँ, इसको बैक पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इसकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर तस्वीर को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसको भी दोस्तों क्रॉस कर देता हूँ, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अब आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये वाले आपको मिलते हैं फ़िल्टर्स, तो इनहेंस भी मिलता है आपको, फ़िल्टर्स मिलते हैं। अगर आप फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे आपको ब्यूटीफाइंग फ़िल्टर मिल जाएंगे। आप जो भी लगाना चाहें वो आप अपनी तस्वीर में लगा सकते हैं और उसमें कम या ज़्यादा इफ़ेक्ट जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, तो वो आप इसमें से दे सकते हैं। मैं क्रॉस कर देता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर आप पिक्चर को सेव करना चाहें तो ये सेव वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बैक पे आते हैं तो स्टार्ट में जो आपको ऑप्शन बताए थे वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।